Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. खुलाने की चीज ये ले लीजिए ना। तुम ठीक कहते हो बिहारी, अगर यही हालत रही तो चंद दिनों में ये बंगला बिक जाएगा। न जाने मेरी तकदीर को क्या हो गया। सेठ जी, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपकी मोहब्बत मुझे ये कहने पर मजबूर कर रही है कि तारा के कदम इस घर के लिए मनहूस साबित हो। देख ली, जब से वो आई है नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है। नाइट्रो भैया, इस मामले में हम दोनों ने बड़ा धोखा खाया। आओ बैठो, बैठो, निकल जाओ यहाँ से। खबरदार जो फिर कभी मेरे घर में आए। सारा, तुम इस घर में नहीं रह सकते। स्वामी, ये हमारे घर को लूट लेना चाहता है। खामोश। ये आपकी मोहब्बत है जो इतना अपमान सहने के बावजूद मैं इस घर में ठहरने के लिए। बिहारी, मेरे जीते जी तुम्हारे कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। मैंने तेरा कहना नहीं माना तो तू मेरे रास्ते में कांटे बोले तो मैं अपने हाथों से दिलाऊंगी। भगवान के लिए इस पापी को यहाँ आने से रोकिए। खामोश। मैं इस घर की मालकिन, अपनी आंखों के सामने इसे उजड़ने नहीं दूंगी। तारा, तू इस घर को उजड़ने से क्या बचाएगी? तेरे मनहूस कदम तो अपना असर दिखला ही रहे हैं। कमीने, ये मजाल, मेरे दोस्त पर आग उठाने लगी। निकल जाए। एक मीटर कमीने के सामने आप अपनी पत्नी का अपमान कर रहे हैं। याद रखिए, जिंदगी भर सर पर हाथ रखकर रोना। नहीं जा। बड़ी आई नसीहत करने वाली। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन इस आस्तीन के सांस से बचिए, मत्कार कहेगा। क्या करेगा? बता, क्या करेगा? बता बता बता।
शाही सवारी आई, गाड़ी हमारी आई हो। ओ बाबू हट जाना, हो जाना, हो जाना, हट जाना। ओ मेरी जा चलना, ओ मेरी जा। अरे साहिबा मुझे कुछ एक जल्दी ला। पैसे हुए बे तेरे? दो बोतल 12 रुपए। मैं भिजवा दूंगा। अभी जाता कहाँ, पैसे देगा जा? जानता है मैं कौन? दादागिरी नहीं चलेगी समझा? जेब में माल नहीं तो पीने क्यों आया था? बेईमान कहीं का। बेईमान कहता है मुझे? जान ले लूंगा तेरी। तो फिर आज से तुम हमारे भी दोस्त हुए। मैं शराबियों से जरा कम ही दोस्ती रखता हूँ। मोती ये फजलू के हाथ हैं, जो एक दफा आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटते। चलो मिलाओ हाथ।
शेखन, जिंदगी में कभी ना कभी काम आऊंगा। आज मेरा बेटा 25 साल का होता, एक बूढ़े बाप के लिए जवान बेटा कितना बड़ा सहारा होता। सेठ जी, दिल छोटा ना कीजिए। तो अभी तक नुसिंग ला रही? बस खत्म है बेटा, कुछ लड़कियां नाटक खेल रही हैं, बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गई। अब तू ही बता, मैं इनकार क्या करती? माँ तो ये मशीन चलाने छोड़ दे, लोग क्या कहते हैं कि जवान बेटा पूरी माँ का जरा भी ख्याल नहीं रखता। मुसीबत के दिनों की बात और थी। पूरे 25 साल हो गए इसको चलाते हुए, अब बेकार बैठा भी तो नहीं जाता। भला हो लल्लन भैया का जिसने ये जिंदगी का सहारा कर दिया, वरना न जाने हम पर क्या गुजरती। न जाने कौन सी बातें याद करके तो दुखी हो जाती है माँ। बताती तो कुछ नहीं, मैं कहता हूँ आप दुख के दिन गए। ये देख 25 रुपए तरक्की हुई है इस महीने में, पूरे 200 मिले हैं, ये ले। जी तेरा मेरे लाल, अब मैं जल्दी से जल्दी तेरे लिए बहू लेकर आऊंगी। देखना बहू का नाम मत ले, मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक अपनी गैरत नहीं खुलूंगा शादी नहीं करूंगा, समझी? आज से तुम्हारा नाम जगदेव नहीं मोती है मोती। और याद रखो इस बात का कि अगर तुम ठीक तरह एक्टिंग कर सके तो लाखों के बारे नारे हो जाएंगे। एक्टिंग की आप चिंता मत कीजिए, मैं 3 बार रमेश स्वरूप नका का काम कर चुका हूँ। और नाक अभी तक सलामत है। दरअसल बात यह है कि सलवार लकड़ी की। अच्छा देखो, तुम मेरे बड़े ऑफिस में आकर मुझसे मिलना। बड़ा ऑफिस? आपके कितने ऑफिस हैं? जिंदगी भर ऑफिस ही ऑफिस तो खोले हैं। हार्बर के पास एक ऑफिस है, उसका नाम है बिहारी बिहारी एंड कंपनी, समझ गए? वहाँ ना आकर मुझसे वहीं मिलना। जी साहब। ये लो। बाल बनवाओ, दाढ़ी वाड़ी ठीक करवाओ, कपड़े बदलो और वहाँ आकर मुझसे मिलो। एक तो पैसा नहीं देता, ऊपर से किधर भक्ति देता है? पैसे नहीं है तो लो। अबे मैं कहता हूँ सुना रही तुमने, शराब लाओ। एक और पिता बाय बाय, जल्दी आओ। शराब पहुंचाओ फसलों को, नहीं तो गेंडा बाहर निकल आएगा। जल्दी आओ गेंडा। अरे बुढ़िया चल बे, चल मैं तुझे पैसे दे आता हूँ। अबे वो सब पहले से ही करता है, वो क्या देगा? अबे तुझे इससे क्या, तू चलना चल। भैया कौन है बे? Not. क्या है? अच्छा ना, अबे ये चूहा कौन है? ये चूहा नहीं घूस है। फिरजू मैं तुझे शाम को 20 रुपए देने वाला हूँ। अबे देना है तो इसी वक्त देना। इस वक्त तू मुझे उधार 20 रुपए दे दे, मैं शाम को तुझे दे दूंगा। शाम को दे। वाह बेटा, अबे चील के घोंसले में मांस कहाँ? देखा, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ भी कुछ होने वाला नहीं है। तू क्यों टंगड़ा था? चुप। फजू तो फिर ऐसा कर कि मेरी गारंटी यानी जमानत ही दे दे, मैं वादा करता हूँ अगर यकीन ना हो तो हाथ मिला ले। हाथ मिला? देखो बेटा, वायदा देकर मुकर जाने वाले को मैं बेईमान समझता हूँ और बेईमान आदमी को मैं कभी माफ नहीं करता। जा फाट जा। 20 रुपए मिल जाएंगे ना? अबे चूहे कह तो दिया मिल जाएंगे, जाओ। रंग मौसम की जान हम हैं, फूलों का रंग मौसम की जान हम हैं। हम पे बाहर है मस्ती है प्यार है, राहों का नूर मंजिल की शान हम हैं। रंग मौसम की जान हम हैं।
गाड़ी तो मैं नहीं चला रहा था, मैं गाड़ी वो चला रहा था, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं। मत करो मेरे साथ, सर बहुत मजबूत है, आपकी कलाई में कहीं मोच आ जाएगी। मैं तो बगैर जूतियों से ही बोलता हूँ। लेकिन इससे मेरा क्या कसूर, आप लोगों ने रास्ता नहीं दिया, मैं इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से लेके जाता है। तुम सीधी तरह नहीं मानोगे। नहीं क्या जरूरत है, अरे बात करना गुरु जी, मैं आपकी साइकिल रिपेयर करा दूंगा। आप चलो चलो, बहुत देर हो जाएगी कामनी, 7 बजे का शो है, 4 यही बज गए। लेकिन हमारे तो 12 बज गए हैं, ये कैसा शो है। अरे बाप, देखो तुम लोग सीधी डेढ़ चली जाना, मैं कपड़े लेकर आ जाऊंगी। चलो। अबे मोती, आज तो तेरी सालगिरह थी, मुहूर्त अच्छा हुआ बेटे। चुप है, जल्दी जाओ। हैप्पी चप्पल टू यू, हैप्पी सैंडल टू यू। मरा तो नहीं, मैंने उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया है, सुबह से उसी के सिराने बैठा हुआ था। अब क्या हाल है? हाल बहुत खस्ता है। अच्छा, अस्पताल का फोन नंबर क्या? अस्पताल लाइन कर चुकी है, लाइन कर चुकी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। क्यों क्यों? क्योंकि आखिरी वक्त में उसके पास कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। जरूर जरूर होना चाहिए। देखो देखो, अगर मेरी जरूरत पड़े तो फौरन फोन कर देना, मैं 7 बजे तक यही रहूंगा। अरे सेठ जी, जरूरत तो जरूर पड़ेगी, हालत बहुत नाजुक है, 4 आदमियों का बंदोबस्त भी करके रखिए। 4 आदमी? हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आप कहाँ जाएंगे, अस्पताल में तरह तरह की बीमारियाँ होती है, अगर कोई बीमारी बुढ़ाते में चिपक गई तो छूटेगी भी नहीं, और फिर यतीमों का क्या होगा। और वैसे वो तो बहुत आराम से नर्सें उसकी धड़ाधड़ खिदमत कर रही है। भूत तो आप रही हैं, वैसे बंदे की सूरत बुरी हुई। क्या ख्याल आपका? इडियट जी, नहीं मैं बीए पास हूँ। हाँ, राम राम नहीं मोती, बहुत जल्दी भूल जाती है आप मेरा नाम। लगता है आज तक कोई मिला नहीं। आप जो मिल रही है सुबह से, बदमाश। वाह, बदमाश का लफ्ज भी आपके मुंह से कितना शरीफ लगता है। जरा फिर से दोहराई, मैं कहती हूँ ये बकवास बंद करोगे कि नहीं। उफ, क्या मुसीबत है, लोग जरा भी प्यार की बात गवारा नहीं करते, हर बात झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लगता है सुबह की जूतियाँ भूल गए। ये आपकी माँ? तब तो आपकी माँ और मेरी माँ में कोई फर्क नहीं है। माँ जी से बाहर निकालिए, नहीं तो मैं जूता मार मार के तो पास तोड़ दूँगी। कहाँ तोड़ दूँगी? अरे रुको बाबा रुको, सुनो बेटे, ये मेरा बेटा मोती है। ये आपका बेटा है? माँ जी मेरे कपड़े तैयार है। हाँ बेटी, पहन के देख ले। मोती तू अंदर जा। ये Thank you.
आई, बिजली से कहीं लहराई, एक रोशनी दिल तक आई, कोई और समझ ना पाया, मेरा खेरा बाबू आया, अरे मेरा बाबू का कसम, अगर तू मुसलमान होती तो अपने छोकरी की शादी तेरे साथ करती।
वही खुशी मीम साहब, तू कितना खुश नसीब है, इतना घबरू जवान तेरे पर कुर्बान होती है। अच्छा, ये बात है। अरे चौकीदार, चौकीदार को मत बुलाइए, उसको हमने बांध रखा है। अभी तुम कोई रक्षा मांगती, ड्रामा कलाश हो गया, घर जाओ। लाला साहब, हमारा छोकरा धोखा देकर अंदर गया है, हम उसका इंतजार करता है। वो तुमको धोखा दी कि तुम हमको धोखा देती है, तुम हीरोइन का इंतजार करती है। अरे मोती, मक्कार अस्पताल में पड़ा है, मैं कहता हूँ तुम्हें नमक हरामी करते हुए कुछ शर्म नहीं आती, मैं तुम्हें शरीफ समझता था। लेकिन आपसे किसने कह दिया कि मैं बदमाश हूँ? शट अप, हीरो बनकर दिखाता है, कान खोल कर सुन ले, क्या आइंदा गाड़ी टेस्ट पर नहीं ले जाएगा, नौकरी करना है तो सीधी चला कर, वरना दस्तों बगर, मैं ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। लो बनकर कहीं का बहुत मिजाज बिगड़ गए तेरे, अबे ये ना समझना कि तेरे बगल मेरा गैरेज बंद हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि शहर में सिर्फ आपका ही गैरेज है? आपकी नौकरी अपने पास रखिए, मैं जाता हूँ। अबे कहाँ जाता है, बाबा का राज समझ लिया है, जब जी चाह नौकरी कर ली और जब जी चाह नौकरी छोड़ दी, चल जा अंदर काम कर। कह दिया कि अब भी यहाँ काम नहीं करूँगा। भूखा मर जाएगा मोती, पछताएगा, काम मिलना आसान नहीं। आप खुद को अंदाजा समझते हैं सेठ जी, एक दिन मैं आपको अपनी गैरेज खोल के दिखाऊंगा, नौकरी तो बहुत करके देख ली। अबे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, गैरेज खोल कर दिखाएगा, खुद को लास्ट टाइम समझने लगा है, तीन गाड़ियां अर्जेंट हैं, जा जल्दी काम कर। अब आपके यहाँ काम नहीं करूंगा, नमस्ते। नमस्ते मोती, अरे जग्गो, जग्गो मोती, अरे अबे मैं कहता हूँ कि झूठ तो तूने कहा था और नौकरी छोड़कर ये चला गया। अरे तू माफी मांग लीजिए ना। क्या रास्ता? मेरा मतलब ये कि मना लीजिए ना, बड़ा जिद्दी किसी की बात नहीं मानेगा। कोशिश तो कर, अगर इसने गैरेज खोल ली तो हमारा बिजनेस स्टॉप आउट हो जाएगा बेटा। बिल्कुल दिवाला फिर जाएगा बिल्कुल। क्या? फिकर नॉट। ऐसा कीजिए ना, मुझे हेड मैकेनिक बना दीजिए। हेड मैकेनिक के बच्चे अच्छी बनी गाड़ियाँ होगी, उनको भी बिगाड़ के रख देगा। तो करिए सर जी, सिर्फ 50 रुपए, बाकी काम हो जाने के बाद दे दूंगा। ये काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, नहीं तो ना ये होटल रहेगा और ना ये तेरी बाटली और हम दोनों सरकारी मेहमान होंगे। जाओ, हो जाएगा। फजलू, इसे पहचान ले अच्छी तरह, अच्छी तरह पहचान ले। देखी, आज मेरी तनख्वाह होगी, मैं तेरे लिए बहुत सी मिठाइयाँ लाऊंगा। हाँ बापू, मेरे लिए खिलौना भी लाना। हाँ बेटा, जरूर लाऊंगा। बापू, मेरी आंखें बताने के लिए डॉक्टर भी लाऊंगा। हाँ बेटा, वो भी लाऊंगा। हाँ आप जरा जल्दी आ जाया कीजिए, सबका ध्यान लगा रहे। अच्छा। हाँ भैया, जब तक आप नहीं लौटते, भाभी दरवाजा खोले रास्ता ही देखा करती है। क्या करूं, आजकल काम बहुत ज्यादा है, जालसाजों का एक गिरोह बहुत परेशान किए हुए है, नकली रसीदों पर सही करके दूसरी कंपनी का माल छुड़वा लेता है। अभी 2-4 दिन पहले ही उसने ऐसी हरकत की, इसकी रिपोर्ट मैंने पुलिस में भी दे दी है, उसी की तहकीकात जारी है, इसलिए जरा देर हो जाती है। अच्छा कामनी, अरे इस पर संभालो, किसी दूसरी जगह नौकरी कर ले। माँ, मैंने कई बार कहा है कि मैं गुलामी नहीं करूंगा, अपने वर्कशॉप खोलूंगा। लेकिन बेटा, इतने रुपए आएंगे कहाँ से? माँ, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, क्या तेरे दिल में तमन्ना नहीं कि तेरा बेटा एक बड़ा आदमी बन जाए? बोल माँ, क्या तू ये चाहती है कि मैं दूसरों का गुलाम बना रहा हूँ? एक माँ अपनी औलाद के लिए क्या क्या चाहती है, ये तुझे क्या मालूम? बोल माँ, तू चुप क्यों होगी? बेटा, मैं किसी की मदद लेना नहीं चाहती। लेकिन इसमें मदद कैसे, हम तो कर्ज लेंगे और सूद समेत वापस कर देंगे। अच्छा बेटा, तू वो लाल कोठी वाले सेठ जी को पहचानता है? कौन, वो सेठ नटवर लाल जी? हाँ। उनकी गाड़ी तो कई बार हमारी वर्कशॉप में आई थी, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात कभी नहीं हुई। देख, तू उनके यहाँ चला जा,
और जाकर कहना कि तू तारा का बेटा है, शायद काम बन जाए। लेकिन तू उन्हें कैसे पहचान दी? बेटा 25 साल पहले मैं उनके यहाँ दासी थी। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, वहाँ कोई बिहारी नाम का आदमी हो तो उसके सामने कुछ न कहना, वापस चले आना। लेकिन ये बिहारी कौन है? तुझे क्या करना है, जा। अच्छा। देख जल्दी वापस आना, मेरा ध्यान वही लगा रहेगा। माँ का तो सिरगुबाश हो गया पिताजी। सिरगुबाश हो गया तारा, तारा। नहीं, हमने बहुत कष्ट उठाए थे, बहुत दुख झेले। माँ बेचारी को तो टीबी हो गई थी और हमारे पास दवा के लिए पैसे भी न थे। वो तो मैंने पढ़ लिख कर नौकरी की, लेकिन बीमारी उस वक्त तक इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई दवा भी न लगी। माँ चली गई। आज ये लड़का मेरे ऑफिस में नौकरी के लिए आया, मैंने पूछताछ की तो इसने अपनी माँ का नाम तारा बताया और बड़ी मुश्किल से इसने आपका नाम बताया सेठ जी, बड़ी मुश्किल से। सेठ जी बाहर आपसे कोई मिलने आया? भगा दे उसे, ये कोई मिलने का वक्त है। कौन है वो? नाम तो नहीं पूछा, भगा दूं। अच्छा उसे अंदर भेज। हाँ खैर सेठ जी अंदर क्यों बुलाते हैं आप, जरा बाहर जाके दो एक बातें कीजिए। भगा दे, कोई भिकमंगा होगा, आज तो आपका बेटा आया है। अच्छा बेटे मैं भी आया। नमस्ते सर जी। नमस्ते, तुम कौन हो, क्या बात है? मेरा नाम मोती है। मोती जी हाँ, मुझे मेरी माँ तारा ने आपके पास भेजा। तारा ने भेजा जी हाँ। तारा जिंदा है? आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी माँ के पास से आ रहा हूँ। माँ के पास जा रहा हूँ। हाँ। आप इतने परेशान क्यों हो गए? मुझसे कोई गलती हुई? गलती? गलती जरूर हुई। किससे हुई है ये मालूम नहीं। अरे अरे ओ बिहारी, ओ बिहारी, या अरे बिहारी, तू कौन से मोती को ले आया? देख कहाँ गया मोती। मोती? अरे मोती। हाँ पिताजी। बिहारी, अभी अभी एक नौजवान आया था, कहता था उसका नाम मोती है और तारा जिंदा है। जी हटाइए सेठ जी, आप इन चक्करों में पड़ गए, कोई ब्लैकमेलर होगा। छुरा मार के भागा। नहीं। हाँ। हाँ। ये खूनी आपका लगे बेटे।
क्या बात है बेटे? माँ ये शहर छोड़कर कहीं चले। अच्छा ये तो बता, सेठ जी से तेरी मुलाकात हुई? माँ ये शहर अच्छा नहीं है, चल पीछे दूसरे शहर में चले चले। मोती तुझे क्या हो गया है? मैं पूछ कुछ रही हूँ तो जवाब कुछ दे रहा है, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? दरअसल बात यह है कि वहाँ पर वो है ना बिहारी, वो सामने आ गया था तो उसको देखकर मैं भाग आया। माँ ये पत्ती बंद कर दे, मुझे नहीं आ रही मसूर। मोती तू बता रहा क्यों नहीं, क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है, दरअसल तू मेरी वजह से बहुत परेशान रहती है ना, इसलिए तुझे नींद नहीं आती, जा जाके सो जा। बस करो भाभी, कहाँ तक रोएंगी, सब तरफ अंधेरा हो गया कमली, अब हम कैसे जिएंगे? रोने होने से क्या होगा, अब तो सभी कुछ हमें करना है। मैंने एक जगह एप्लीकेशन भेजी है, शायद नौकरी मिल जाए। तू नौकरी करेगी? तो क्या हुआ? नहीं नहीं, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया हमें रोटी नहीं देगी, आखिर में पढ़ी लिखी हूँ, कमा सकती हूँ, इज्जत से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मैं मम्मी को ले आई हूँ बेटी, इसे खाना भी खिला दिया। कम नहीं से सुला दे। मैं नहीं सोऊंगी माँ, बापू का इंतजार करें। तेरे बापू बहुत दूर गए हैं मुन्नी, वो अभी नहीं आएंगे। दूर क्यों गए बुआ? लगता है इन जालिमों के औलाद नहीं होते, तभी ऐसा करते हैं। भगवान करे इनका हाथ टूटे। एक बोतल और ला दे। आठ बोतलें तो ला चुका पहले, अबे लाता है कि नहीं? अरे भाई फजलू, खबरदार जो मुझे भाई कहा है तू कुत्ता है कुत्ता। फजलू यहाँ तो सभी कुत्ते हैं, कोई पालतू है और कोई जंगली, ये सब पापी पेट के चक्कर हैं प्यारे। पापी पेट तो दो रोटी मांगता है, ये तो कोई और ही चक्कर है। शराब लाओ। हाँ लाने गया है, जरा सबर कर देख फजलू, इतनी शराब न पिया कर, किसी रोज दिमाग की नस फट जाएगी। नसें फटती नहीं है, फाड़ दी जाती है, अभी तला खून की बू नहीं गई, ले सूं, सूं। हाँ ये तो तेरी पुरानी आदत है, ला ये ले शराब। फजलू शराब का बिल जरा ज्यादा होता जा रहा है। अबे कमाता किस लिए हूँ, काट लीजो, बाकी के पैसे लाया। 50 रुपए उस रोज लिए थे और 50 रुपए शराब के बिल में कट गए, हिसाब बिल्कुल बराबर हो गया। हिसाब बराबर? एक इंसान की जिंदगी की कीमत सिर्फ 100 रुपए? अरे तो कौन सा लाट साहब था वो, एक टटपूंजिया क्लर्क ही तो मारा है। क्लर्क तेरी निगाह में इंसान नहीं होता? हाँ बैठा रहे बैठा रहे बैठा रहे। ले 10 रुपए और रख ले, 2 शिकार और लाने वाला हूँ, मुंह मांगा इनाम दूंगा। कौन है वो? जरा पता लगा लू तो बतलाऊंगा। एक बेटा है और एक माँ। माँ दलील, माँ पर हाथ उठाने को कहता है, तोड़ दू ये गर्दन, तो भूखा मर जाएगा। अरे माँ बेटा इसी पर छोड़ना। इस तरह का मजाक मत किया कर, जब कभी तो मेरी गर्दन छू लेता है पूरी आइडस की शीशी रगड़नी पड़ती है मुझे। चला चलना चल। कहा? यहाँ पापा के हाथ धोता रहेगा। हाथ धोकर पुलिस पीछे पड़ी है, मुजरिम भाग कर कहा जाएगा? हाँ लेकिन फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि इस कत्ल में 2 आदमियों का हाथ है, क्योंकि चाकू की उंगलियों के निशान उन निशानात से नहीं मिलते जो उस खिड़की पर पाए गए थे जिससे दूसरा मुजरिम निकलकर भागा था। तू तो शराब पीकर यहाँ घर ही नहीं सोया है, जाकर मेरे घर की हालत देख, मेरी बीवी को देख, मेरी जवान भाई को देख। तूने ये भी न सोचा कि मेरे बाद उन पर क्या बीतेगी? तूने शराब नहीं पी, मेरी बीवी का सुहाग लूट कर मेरी बहन के अरमानों का खून पिया है। तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा, तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। मेरी मासूम बच्ची की आफत तुझे बर्बाद कर देगी, जो रात रात पर सड़क पर बैठकर मेरा इंतजार करती, जाकर उसे देख तो सही, जाकर उसे देख तो सही। बिहारी बिहारी बिहारी, ये तूने मुझसे क्या करवा दिया? या अल्लाह ये मैंने क्या किया? बापू तुम
हमारा रास्ता देख रही है। तुझे चोट तो नहीं लगी? ये लालटेन तू क्यों लिए हुए है? तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए बाप। मगर बेटी इसमें रोशनी तो है नहीं। पापा रोशनी किसे कहते हैं? ओ मेरी बच्ची। बापू मेरे लिए रुपया लाए। रुपया? माँ कहती थी बापू बहुत सा रुपया लाएंगे, मेरी आंखों का इलाज कराएंगे। बोलो बापू रुपया लाए। हाँ बेटे मैं रुपये जरूर लाऊंगा। बापू तुम्हारे मुंह से तो बहुत बू आ रही है, पहले तो कभी नहीं आती थी। हाँ बेटी मैं बहुत दिनों से नहाया नहीं हूँ और मैंने कपड़े भी नहीं बदले। चलो अंदर चलकर नहा लो। बापू तुम्हारी तो दाढ़ी भी चुभती है। माँ माँ बापू आए हैं। मम्मी 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 बापू मम्मी बापू मम्मी जो है कभी चैन नहीं मिलेगा तुझे, कभी चैन नहीं मिलेगा। मासूम बच्ची की आंख तुझे बर्बाद कर देंगी। रात रात हफ्ता पर बैठी मेरा इंतजार करती, जाकर उसे देख तो सही पत्नी, जाकर उसे देख तो सही। बापू तुम्हारे मुंह से तो बहुत बू आ रही है, पहले तो कभी नहीं आती थी। ये क्या किया तूने, मुझसे बेगुनाह का खून कराया। और तूने भी कई बेगुनाहों का खून किया, आज मैं तेरा खून करूंगा, आज मैं तेरा खून करूंगा। वो खून था जो अब तक तू दूसरों का बहाता रहा, आज तुझे मालूम हुआ तकलीफ। ILOVEYOU I love you, what a lovely girl. Excuse me. Yes, yes, फरमाइए। मुझे इंटरव्यू का लेटर आया है, मैं बॉस से मिलना चाहती हूँ। अजी मैडम पहले हमसे तो मिल लीजिएगा। लेकिन आप? जी मैं बॉस का सबसे बड़ा चमचा नंबर वन। मेरा हाथ छोड़िए। मैडम इस हाथ में वो खूबी है कि जिस चीज को छू लेता है वो चीज सोना बन जाती है। आप आज से अपने आप को सोना समझिए, बस मेरी सिफारिश करने की देर है और आपको नौकरी मिली। आपने तो आती बिजलियां गिरानी शुरू कर दी। लवली हैंड यू हैव मैडम, लवली हैंड। पटाखा, गर्मी के मौसम में दिवाली मनाई जा रही है। सुबह होते ही चेहरे पे नूर बरसने लग गया। कौन नहीं? मैं इंटरव्यू के लिए आई थी, ये बदमाश मिल गया। ये बदमाश नहीं है, ये तो मामूली किस्म का चौथ इंसान है। चौथ भाग यहाँ से, चल भाग। हाँ तो आप इंटरव्यू के लिए आई है ना? आइए प्लीज, कम इनसाइड, कम। वन एट अ टाइम माय डार्लिंग, डोंट ट्राई। नमस्ते माजी। देख तो बेटा इसे न जाने क्या हो गया है। क्यों? न घर से बाहर निकलता है, मालूम होता है जैसे किसी का खून करके आया हो। तो क्या मुझे तो खून नहीं समझते माँ? तो ठीक तो है, तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलता? तुझे मालूम है सेठ रोज तेरे बारे में पूछता है, कल ही मुझसे कह रहा था किसी तरह मोती को मना कर ला। माँ जी उसका तो स्क्रू लूज है जरा, ये गुस्से में मुंह उठाकर चलाया। वो दिल का बुरा आदमी नहीं है माँ जी। उसका नाम मत ले जरूर मेरे सामने, मैं उससे तभी मिलूंगा जब अपने वर्कशॉप खोलूंगा। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे किसी बहुत बड़े सेठ का लड़का हो। माँ जी मालूम होता है आजकल आपने इसके सर के ऊपर हाथ फेरना बिल्कुल बंद कर दिया, तभी तो इसकी अकल दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। जगो ए भाई
आगे क्यों दिखाता है? दिखाना है तो कुछ पिक्चर ही दिखा। शहर में कितने अच्छे अच्छे पिक्चर लगे। मैं माजी एक दिन का बादशाह लगा हुआ, क्या कव्वाली उसमें। एक दिन का बादशाह यूं बेसहारा हो गया, और जैसे एक शादीशुदा फिर से कंवारा हो गया। अच्छा माजी मैं चले जाता हूँ। मेरा दिल नहीं करता तुझे माजी की बात को डालता। चल 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 चल, मजाक बना रखा है। काम बंद धंधा बंद, खाना चालू। चल 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 चल। अरे गधे की तरह खींच रहा है। सोबत का अच्छा है प्यारे, गधे से अभी शेर बनाता हूँ तुझे। माजी अच्छा मैं चले जाता। दिन रात पीता है, दुनिया का कोई गम उसके पास नहीं आता। तू भी पी ले। मजबूर होना है। मैं नहीं पीना चाहता। नहीं, तेरी यारी की कसम मैं अकेला नहीं पीता, इसीलिए तुझे मजबूर कर रहा हूँ। पी लेना प्लीज। अरे पी लेना प्लीज। दलील, अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अभी से भी गुमराह करना चाहता। मगर फजलू, मैं तो इसे तेरी तरह शेर बनाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे ऐसा इसे बनाएगा मगर तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। खबरदार जो तू इसे फिर यहाँ लेके आया। जाओ मेरे दोस्त, जिंदगी भर कभी इधर का रुख मत करना। यहाँ की रंगीनियों के पीछे जलालत है, गिरावट है, अंधेरा है। फजल मेरे दोस्त, इन अंधेरों में इतना दम नहीं कि मुझे निकल पाए। शाबाश, जाओ। चल देखो कहाँ चले। अरे भाई यार, मैं नामा लगा हुआ है। मैं कहता हूँ चल मेरे साथ। मगर मेरी मेरी बात सरदार, आज का अखबार पढ़ा तुमने? नहीं अंकल। नहाए थो शारी से काम लेना, दफ्तर में कोई फाइल नजर ना आए, सब डबल चोपड़ा डबल चोपड़ा डबल चोपड़ा। सीआईडी के बड़े बड़े ऑफिसर फेस बदल कर दफ्तरों में छापे मार रहे हैं। आप घबराइए ना अंकल, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा।
नहीं अंकल, मेरा मतलब है कैसा आपने कहा ऐसे ही होगा। कौन हो तुम? हम शहंशाह अकबर हैं। यहाँ कैसे आए? अपनी साइकिल से आए। क्या? हमारा मतलब है हम सलीम को लेने आए हैं। सलीम? हाँ, आपका बेटा मोती, हमने उसको अपने डामे में हीरो बनाया, लेकिन वो जीरो बनकर रह गया। कमबख्त अनारकली से डर कर भाग गया। मेरा बेटा निकम्मा नहीं तो तेरे ड्रामे फामे में काम करे, निकल जाए यहाँ से। हम उसको लेकर ही जाएंगे, वरना हमारी अनारकली रो रो कर अपनी जान दे देगी और हमारे इंसाफ का तराजू झुक जाएगा। चूल्हे में गया तेरा इंसाफ, तबाह हो जाए यहाँ से। मैं कहती हूँ निकल जाए यहाँ से। अंकल, सीआईडी का आदमी मालूम होता है, मुझ देखिए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, माफ कीजिएगा, मैंने आपको जरा देर से पहचाना। तो क्या आपने मुझे पहचान लिया? बिल्कुल, आपको भला कौन नहीं पहचानेगा। और फिर मैं तो चुटकी बजाती परख लिया करता हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए, ये बतलाइए क्या पीजिएगा, कुछ ठंडा या गर्म? लेकिन मैं तो यही चलाया था। ठीक है, आप लोग तो यही चलाया करते हैं। आप बैठिए तो सही, बैठिए सही, बैठिए हजूर बैठिए। ये लीजिए। ये क्या है? रख लीजिए ना, 100-100 रुपए के नोटों से भरा है। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है, भला सोचिए तो सही, आप लोगों की बदौलत तो हम लोगों की दाल रोटी चलती है। लीजिए। तो क्या आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, रिश्वत नहीं है, नजराना है। नजराना पुराने वक्तों से ये दस्तूर चला आता है। बाप दादा के जमाने में छोटा राजा बड़े राजा को दिया करता था, और अब छोटा बाबू बड़े बाबू को देता है। अफसर साहब रख लीजिए ना, पापी फिर बड़ा जालिम है। लेकिन मैं मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ, सब ठीक है ना है? और सुनिए, इस ऑफिस को आप अपना ही घर समझिएगा है। अगले महीने फिर आ जाइए, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं। आइए आइए, शाबाश। काम में देवी, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। कौन है आप? घबराइए नहीं, मैं सीआईडी का आदमी नहीं बल्कि मोती। मोती? जी हाँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। फरमाइए। आपके दफ्तर वालों ने मुझे सीआईडी का आदमी समझकर 700 रुपए रिश्वत दी, और ये आप जानती हैं कि रिश्वत देना और लेना कितना बड़ा जुर्म है। यहाँ पर जरूर खतरनाक किस्म का बिजनेस होता है। मुझे डर है कि कहीं आप किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। आपको यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। ये मजबूरी इंसान को सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है मोती बाबू। मजबूरी? हाँ, मेरे भैया का किसी जालिम ने खून कर दिया, और वो जालिम पुलिस से बचने के लिए हमारे घर में छुपा। क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे याद आ रहा है कि अखबार में मैंने ये खबर पढ़ी। वही ये कमाने वाले थे, लेकिन अब कहीं और नौकरी तलाश करनी पड़ेगी। सचमुच आप बहुत परेशान हैं। आप ये रुपए रख लीजिए, जब तक कि आपको नौकरी ना मिले इन्हें खर्च कीजिए, पूरे 700 है। आपकी मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लड़की जरूर हूँ, लेकिन इतनी कमजोर नहीं जितना आप समझते हैं। ये रिश्वत के पैसे मेरे सर क्यों थोप रहे हैं? लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, समझे? काम नहीं, कुछ काम बना? काम सकता है अगर तू इजाजत दे दे। मैं तेरा मतलब नहीं समझी। मुझे रास्ते में पता चला है कि एक गैरेज 2000 में दिख रही है। 700 रुपए का मैंने बंदोबस्त कर लिया, और 1300 का कर लूंगा। मगर 700 रुपए तुझे किसने दिए? एक आदमी ने मुझे सीआईडी समझकर रिश्वत दे डाली। और तू लेकर चला आया? हाँ। तुझे शर्म नहीं आई रिश्वत लेते हुए? इस बाप के पैसे से तू कारोबार शुरू करना चाहता है? माँ, मैंने तो सलाह मांगी थी। नहीं, मैंने तुझे यहाँ आने के लिए मना किया था, भूल गया तू? भूला नहीं मेरे दोस्त, मुझे याद है, मुझे भी इस जगह से नफरत है। फिर बात यह है कि मेरे पास कुछ रुपए हैं, जग्गू को देने आया था, तो वो तो मिला नहीं, तू रख ले। मैं उसके रुपए रख लूं? हाँ ना बाबा, खर्च हो जाएंगे, मैं फिर चुकाऊंगा कैसे? मैं तो उसे मांगूंगा नहीं, दरअसल बात यह है कि ये रुपए मुझे सड़क में मिले थे, इनकी वजह से मुझे नींद नहीं आई। तू तो जुआ खेलता है, शराब पीता है, कहीं खर्च कर डाल, यूँ फैसले को दिल नहीं करता। रख ले, पूरे 700 है, 700 ये रख ले। माँ कहती थी बापू बहुत सौ रुपया लाएंगे, मेरी आंखों का इलाज कराएंगे, बोलो बापू। 700? मोती, मुझे रुपयों की सब जरूरत है, मैं तेरा एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। एहसान तो मुझ पर होगा फजल, मुझे माँ से बहुत डर लगता है, अगर उसे पता चल जाता तो बहुत नाराज होती। मोती, तेरे माँ भी है? उसके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन फजल। तू कितना खुश नसीब है मोती, किसी दिन मुझे भी अपनी माँ से मिला। अपनी माँ से मिलाओ? हाँ मोती, मेरे दिल में बड़ी तमन्ना, मैंने आज तक माँ नहीं देखी। मिलाता तो जरूर, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं तेरी सूरत देखकर अब मुझे भी शराबी और आवारा ना समझ ले। तू ठीक रहता है।
इधर आओ बेटे, इधर आओ। माँ का? हाँ बेटे। मुझे छोड़कर भागते हुए थे? नहीं बेटे, मैं भागा नहीं था, मैं तो तुम्हारे लिए ये मिठाई लेने गया था। लो ये मिठाई, और ये मैं तुम्हारे लिए रुपए लाया हूँ, अब तुम्हारी आंखें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। लो ये ले लो, ये ले लो बेटे। हाँ बेटे। अंदर चलो ना। क्यों? माँ से क्यों नहीं मिलते? मैं बेटे तुम्हारी माँ से फिर मिलूंगा। मुन्नी, मुन्नी, माँ, बापू आया है, मेरे लिए रुपए लाए हैं। मुन्नी, तू फिर नहीं आई? ये क्या तेरे हाथ में? किसने दिया? बापू ने। कौन है ये बापू? परेशान कर रखा है, 50 बार कहा कि बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, मानती नहीं बात। कामिनी, ओ कामिनी, कामिनी, क्या है भाभी? ये देख, देख जरा, जाने कौन चोर बदमाश आता है, हैरान कर रखा है। चोर नहीं है माँ, मेरे बापू है, रुपए लाए हैं आंखों के इलाज के लिए। इधर को बुआ। अच्छा भाभी, मैं जानती हूँ ये कौन दे गया है, कल जाकर मैं उसकी खबर लूंगी। कामनी देवी, हाँ? क्या आपको हमारी मजबूरी का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? कैसा मजाक? ये पैसे रात को मुन्नी को क्यों लेके गए थे? मुन्नी? कौन सी मुन्नी? ज्यादा होशियारी जताने की जरूरत नहीं, मैं सब समझती हूँ, हमें क्या भिखारी समझ लिया? लेकिन वही लिफाफा और वही 700 रुपया, थोड़ा सा हाल क्या बांट लिया, खुद को हातिम तय समझ बैठे। लिफाफा तो वही है, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, हो सकता है भगवान ने आपकी मदद की हो। ऐसी भीख तो मैं भगवान से भी लेना नहीं चाहती, संभालिए। ये रुपए मेरे नहीं है, मैं नहीं लूंगा। किसी की दुखती नस पकड़ने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि वो दर्द बर्दाश्त कर सकेगा कि नहीं। हट जाइए मेरे रास्ते से। मैंने कह दिया कि ये रुपए मेरे नहीं है, मेरे सर की थोप दी है, रखिए अपने पास। आग लगाती हूँ ऐसे पैसे को? आग लगाइए, कूड़े में फेंकिए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, रखिए अपने पास। वो रुपया कहाँ है जो मैंने तुझे दिया था? मेरा मुंह क्या देख रहा है? जवाब दे मुझे, तुझे रुपया चाहिए? मैं पूछता हूँ, वो रुपया तूने किसको दिया? वो रुपया? वो रुपया मैं किसी को क्यों दूंगा? अरे हाँ, मुझे याद पड़ता है, मैं एक जगह पीने चला गया था, वहाँ किसी ने मेरी जेब मार दी। झूठ बोल रहा है फसल, कुछ झूठ बोल रहा है, सच सच बता दे, नहीं तो मैं, नहीं तो, नहीं तो तू क्या करेगा? मैं क्या करूँगा? काश मैंने तुझे दोस्त न कहा, खबरदार जो मुझे दोस्त कहा, मुझे तेरी सूरत से नफरत है। मजे शराब भी है तो मैं यही लूंगा, वहां पहुंच के ये ख्वाहिश हुई हुई ना हुई। मोती, बहुत चोट आई है क्या? क्या हो गया है तुझे? तू शराब क्यों पीने लगा? तुझे इस हालत में देखकर जी चाहता है मैं अपनी आंखें फोड़ लूं। आज तुझे अपनी बूढ़ी माँ का भी ख्याल नहीं रहा। याद है तू मुझे एक दिन उससे मिलाने से घबराता था कि कहीं वो तुझे भी शराबी न समझ बैठे। आज जो तू उसके सामने शराब पीकर जाएगा तो वो बेचारी क्या समझेगी कि उसका इकलौता बेटा आवारा हो गया, शराबी हो गया, फजलू की वजह से। फजलू, पहले वायदा करके तू शराब कभी नहीं पिएगा। फजलू, तो मेरे दिल की हालत नहीं जानता, बहुत दुखी, बहुत परेशान हूं। तू पुलिस को देखकर क्यों भागा? मैं पूछता हूं, तू पुलिस को देखकर क्यों भागा? पुलिस मेरा पीछा कर रही है फजलू, लेकिन मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। आखिर बात क्या है? शायद तूने सुना होगा,
पिछले महीने की पहली तारीख की रात को लीला मेंशन के सामने जो कत्ल हुआ था, मैं उधर से गुजर रहा था। चीख की आवाज सुनकर मैं मदद के लिए पहुंचा, लेकिन पुलिस मुझे को कातिल समझ बैठी। आज तक पुलिस की नजरों से छुपता फिर रहा हूं, नौकरी भी छोड़ दी। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। कई बार सोचा कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन बूढ़ी मां का ख्याल आता है। उसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर कोई नहीं है। अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो बूढ़ी मां रो रो कर अपनी जान दे देगी, अपनी जान दे देगी। बस इतनी सी बात से डर गया? मैं उस कातिल को जानता हूं। कौन है वो, जल्दी बता फजलू। मैं उसे अभी पुलिस के हवाले करूंगा, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। मौका पड़ा तो मैं उस मुजरिम को पाताल से भी खींचकर बाहर ले आऊंगा। फजलू, छोटी छोटी बातों से घबरा जाता है, बेवकूफ कहीं का। जा तू अब घर जा। वजह से मेरी इज्जत बच गई भैया। भैया? भैया? हाँ भैया, मैं जिंदगी भर आपका ऐसा नहीं भूलूंगी। लेकिन कामने, तू यहाँ पहुँची कैसे? उसी ऑफिस का एक बदमाश नकली टैक्सी ड्राइवर बनके मुझे यहाँ ले आया। मैं जानता हूँ वो बदमाश कौन है, तुम इन्हें घर पहुँचाओ, मैं अभी उस बदमाश की खबर लेता हूँ। अच्छा फजलू, चलो कामने। फजलू भैया की आवाज मेरे भैया से बिल्कुल मिलती है, कितना अजीब इत्तेफाक है। इत्तेफाक हमेशा अजीब होते हैं कामनी, और खूबसूरत भी। तुम जब सुबह मुझसे लड़कर गई तो मैंने सोचा कि जिंदगी में तुम कभी मुझसे न मिलोगी, फिर मिल गई, यही तो एक इत्तेफाक है। अरे तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, खून बह रहा है, पूछ दो। पूछ दो। मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी जा प्यार से कब तक भला दिल को बचाओगी, कभी तो दिल लगाओगी, कहीं तो दिल लगाओगी। मेरी जा प्यार से कब तक भला दिल को बचाओगी, मेरी जा प्यार से कब तक भला दिल को बचाओगी, कभी तो दिल लगाओगी, कहीं तो दिल लगाओगी। मेरी जा प्यार से लब हिलना मुश्किल है। कहोगी किससे वो बातें, कहोगी किससे वो बातें, अगर मुझसे छुपाओगी
कभी तो दिल लगाओगी, कहीं तो दिल लगाओगी मेरी जा प्यार से, कब तक भला दिल को बचाओगी मेरी जा प्यार से। किसी से तुम कसम लोगी, कोई तुमसे कसम लेगा। मेरी दुनिया में आ जाओ, मेरी दुनिया में आ जाओ, ये दुनिया भूल जाओगी। कभी तो दिल लगाओगी, कहीं तो दिल लगाओगी मेरी जा प्यार से, कब तक भला दिल को बचाओगी मेरी जा प्यार से। मोहब्बत की निगाहों का कोई तो हार पहनेगा तुम्हारी नर्म बाहों का, मगर जो बात मुझ में है, मगर जो बात मुझ में है किसी में भी ना पाओगी। कभी तो दिल लगाओगी, कहीं तो दिल लगाओगी मेरी जा प्यार से, कब तक भला दिल को बचाओगी मेरी जा प्यार से, कब तक भला दिल को बचाओगी। कभी तो दिल लगाओगी, कहीं तो दिल लगाओगी मेरी जा प्यार से, कब तक भला दिल को बचाओगी मेरी जा प्यार से। मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कम्मू कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। ये मोती है ना, ये तो कामनी को बेसुरे गाने सुना सुना के बोर किया करता है। मैं तुझे ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाऊंगा कि तू ये चॉकलेट खाना भी भूल जाएगी। हाँ बस सिर्फ मीठी बातों से ही मेरा पेट भरोगे? नहीं नहीं, तुझे खाना खिलाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा, ऐश कराऊंगा। कमाता किसके लिए हूँ? कितना कमाते हो? 1200 रुपया। हिंदी नहीं आती? 75 रुपीज पर मंथ। 75 रुपये? उसमें शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है। और इश्क भी करता हूँ और तुझे चॉकलेट भी खिलाता हूँ मेरी कम्मू, है ना कमाल? बस बस ले तेरा सड़ा हुआ चॉकलेट। अरे तो मेरी दुनिया ही बदल जाती है, वरना मैं बहुत परेशान रहता हूँ आजकल। परेशान? परेशान तो मैं हूँ, तुम्हें किस बात की फिक्र है? अरे फिक्रों का बस चले तो मुझे जिंदा ही चबा डाले, ये तो मैं हूँ जो हर मुसीबत में मुस्कुराता ही रहता हूँ। चलो घर चले, बहुत देर होगी। थोड़ी देर बैठो, अभी तुमसे कुछ बातें करनी है। घर में भाभी बहुत परेशान होंगी, कोई बहाना बना देना। हे मिस्टर, बहाना बनाने की आदत पड़ गई तो बाद में तुम्हें तकलीफ होगी। मुझे क्या तकलीफ? कमने, अरे तू आ गई, क्या हुआ? आओ तो सही, कहाँ? आओ आओ, अरे छोड़ो मेरे हाथ, कहाँ ले जा रहे हैं? पुल के नीचे क्यों ले आए? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तुम समझती नहीं, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं सब समझ गई, छोड़ेगी कि नहीं, मैंने मैं शोर बचाऊँ। माफ करना कामने, मुझे कभी कभी दौरा पड़ता है। दौरा? हाँ, लेकिन वो दौरा चला गया। गया? हाँ। हाय राम 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 राम। तू यहाँ किस लिए आया है? बदलू, एक बात बदला मुझे, उस दिन गोदाम में तेरे साथ कौन था? इससे तेरा मतलब? बदलू, मुझे तुझ पर पूरा पूरा भरोसा है, लेकिन किसी गैर शख्स को गोदाम में नहीं जाना चाहिए। वो मेरा दोस्त था, कोई गैर नहीं, मैं यही पूछने आया। हाँ हाँ हाँ, असल में तो मैं उस शिकार की बात करने के लिए आया, लेकिन तू तो अब साधु हो गया है, तारसा हो गया है, मलंग हो गया है, क्यों? बिहारी, दुनिया में तुझे किसी से प्यार है? ऐसा भी कोई शख्स है जिसे किसी से प्यार ना हो? किससे?
ऐसे ऐसे देख फजलू, तुझे भी तो इससे प्यार है ना, क्यों? जी चाहता है मैं एक खून और कर ही डालूं। अरे तो मैं कहां दो की बात कर रहा हूं। अरे फिर वही मजाक शुरू कर दिया फजलू। अब मालूम हुआ जिंदगी कितनी प्यारी होती है। फजलू तूने तो मुझे मच्छर समझ रखा है, सोचता क्यों नहीं कि तेरे आरे वक्त मैं काम आता हूं। चला जाए यहां से, मैं तेरे जलील खून में अपने हाथ नापाक करना नहीं चाहता। जिंदगी भर मासूम बच्चों को यतीम ही करवाता रहेगा। हा हा हा, सौ चूहे खा के बिल्ली। भाग जा यहां से, भाग जा। ले चलूंगा। बापू माँ कहती है तुम चोर हो। हाँ, हाँ बेटे लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी मिठाई लाया हूँ। लो ये लो, ये लो बेटे, ये लो। बापू। हाँ बेटे। मेरे लिए गुड़िया लाना। मैं जरूर लाऊंगा तुम्हारे लिए गुड़िया। माँ मैं आती हूँ अभी। बापू जरूर लाना। हाँ, हाँ मैं गुड़िया जरूर लाऊंगा बेटे। अबे धाड़े मार मार कर क्यों रो रहा है, क्या हुआ है तुझे? रोता तो ऐसे जैसे कोई मर गया हो। मरा नहीं बल्कि मरने वाला है। कौन मरने वाला है? तेरा दोस्त है ना मोती। हाँ वो खुदकुशी करने वाला है। खुदकुशी? हाँ खुदकुशी, मरने को ही कहते ना। हाँ मरने को। अबे मगर वो खुदकुशी क्यों करने वाला है? दो रुपए, दो सौ, हजारों की बात है। दो हजार रुपए की जरूरत है गुरु, तो कहीं से बंदोबस्त कर दो ना, बेचारे को बहुत जरूरत है सर। वाह बेटा, मैं कोई बैंक हूँ या नोट छाप रहा हूँ? मगर गुरु तुम बंदोबस्त कर सकते हो, तुम तो किसी को दो लपड़ मारोगे तो 2 लाख झड़ पड़ेंगे। घर वाले सेठ है ना, इसी से ले लेना। कौन ये बिहारी? हाँ। अबे ये तो मनुष्य कुत्ता है, मैं इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता। का मतलब ये हुआ कि मैं मरने दूं मोती को? लेकिन फजलू याद रख, अगर मोती मर गया ना तो उस जैसा दोस्त सारे जमाने में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और फिर ये तो सोच कि तारा माँ के दिल पर क्या बीतेगी। तारा माँ? हाँ, उस बेचारे की इकलौती माँ। लेकिन अब हो ही क्या सकता है। अच्छा मैं चलता हूँ फजलू। जग्गू बोल करेगा, बंदोबस्त कर देगा ना, आज शाम तक कर देगा ना। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं फजलू, वादा कर। वादा तभी मैं उसको दिलासा दे सकूंगा। वादा कर, वादा कर, करना। तूने वादा किया, तूने वादा किया फजलू, आज शाम को मैं आ जाऊंगा। फजलू तेरी जय हो, तूने आज मोती को नई जिंदगी दी है, नई जिंदगी दी है। वाह आ, एक तरकीब समझ में आई है। तू मोती की माँ की तस्वीर पे हार पहनाना शुरू करते। सब पापड़ बेल चुका हूँ अंकल, लेकिन बुढ़े को यकीन ही नहीं आता, कहीं मोती आ गया तो मुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी अंकल, जेल की हवा। बेशरम की बलाए दूर, पड़ेंगी जूतियाँ आएगा नूर। जेल जाने से क्यों घबराता है बरखुरदार, ये क्यों नहीं सोचता कि अगर कामयाब हो गया तो लाखों रुपए का मालिक बन जाएगा। लाखों के मालिक तो आप बनेंगे अंकल, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो सोचना ही पड़ेगा। मोती के ठिकाने का भी कोई अभी तक पता नहीं चला। मुझे तो फजलू पर भी शक होने लग गया है। तो आपने उसे बाहर रखा क्यों है? मैं कहता हूँ उसे निकाल बाहर कीजिए, 4 दिन ठोकरे खाएगा, भूखा मरेगा, खुद ही होश ठिकाने आ जाएंगे। पर खुरदार अंग्रेज जाने से पहले एक बहुत अच्छी बात सिखला गए हैं, और वो है ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। मैं एक मरतबा और फजलू के पास जाकर ट्राई करूंगा। फजलू आज मैं तुझसे आखिरी मरतबा बात करने की आया हूँ। और मैं भी तेरे पास आने ही वाला था। मेरे पास क्यों? मुझे 2000 रुपयों की जरूरत है। सुना नहीं तुमने, मुझे 2000 रुपयों की सख्त जरूरत है। हाँ फजलू सुन लिया मैंने, तुझे 2000 रुपयों की सख्त जरूरत है। लेकिन मैं तुझे 2000 रुपये कौन से खाते में से दूं? आखिर मुझे भी तो इनकम टैक्स वालों को हिसाब चुकाना पड़ता है। मैं सूद समेत लौटा दूंगा। फजलू
तूने मुझे क्या सूदखोर महाजन समझ रखा है? मैं एक मामूली सा बिजनेसमैन हूं, मैं प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता हूं, मैं बेकार में रिस्क नहीं लेता। क्या तुझे मेरे पे भरोसा नहीं? फजलू, दोस्ती और चीज है, धंधा और चीज है। धंधे की बात ना कर, मैं तुझे रुपए लौटा दूंगा। धंधे की बात क्यों ना करूं फजलू, आखिर तुझे भी तो कोई ना कोई धंधा करना पड़ेगा। कहां तक तू मेरे टुकड़ों पर पलता रहेगा? कोई मुर्गी काटता है, कोई बकरी काटता है, फजलू तू आग काट। बिहारी, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं। बिहारी, अगर मैं तेरा काम कर दूं तो? आहा, ये हुई ना कोई बात, पैसा तो तेरे लिए हर वक्त मेरी जेब में रहता है। ये ले, अभी 2000 हैं, काम हो जाने पर और दूंगा। हाँ हाँ, पहले वादा कर। दादा, उसका नाम और पता क्या? पता तो मैं बता ही दूंगा, नाम उसका मोदी। पैसों का बंदोबस्त हो गया ना? अरे अरे, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000 पूरे। जियो मेरे यार, जियो मेरे यार, मैं जानता था तू मोदी की जिंदगी बनाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देगा। शाबाश बदलू, शाबाश। मैं चलता हूँ, देर हो रही है, मैं चलता हूँ। चटको, क्या बात है? क्या बात है? मोती को ये रुपए दे देना। अच्छा, और कह देना कि वो शहर छोड़कर चला जाए। अच्छा अच्छा, शहर छोड़कर चला जाए, मगर वो गैरेज और। जाओ बस, मैंने कह दिया। मगर मैंने सुन लिया। पूरी तेरे चलने पे मेरा दिल कुर्बान, तेरा चलना, तेरा रुकना, तेरा मुड़ना तौबा। गोरी तेरे चलने पे मेरा दिल कुर्बान। पायल बजना उस पे लहराना, लचकना पायल, पायल बजना उस पे लहराना, लचकना उसे उड़ना, और मेरा दूर से तकना, कम सीनी में ये कयामत ना उठाओ नादान। मेरा दिल कुर्बान, गोरी तेरे चलने पे मेरा दिल कुर्बान। तेरा दीवाना तेरी आरज़ू करता है, तेरा दीवाना तेरा सौदाई तेरे नाम पे मरता है। जरा थम जा, जरा रुक जा, तेरा होगा एहसान। तेरा चलना, तेरा रुकना, तेरा मुड़ना तौबा। गोरी तेरे चलने पे। देखन, खोटा पैसा ही काम आया और ये झींगे खाता ही रह गया। माँ, आज से मैं तेरा असली बेटा हूँ और ये बिल्कुल नकली कागज का। कौन असली और कौन नकली? मुझे तो तुम दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी दिखाई देते। हाँ माँ, जब श्री राम जी वनवास से लौटे तो श्री लक्ष्मण जी ने ये राम भाजन बंद करेगा नहीं। तू? मैं पूछता हूँ, तू ये शहर छोड़कर क्यों नहीं गया? दूर रहकर बात कर फजलू, उसको क्या समझता है? बताऊं तुझे? आंखें मत दिखा फजलू, तुझे 2000 रुपए का घमंड है ना? मैं अभी गैर नीलाम करके पैसे तेरे मुंह में मारता हूं। याद रख फजलू, मुझे आज तक पैसे से कोई नहीं खरीद सका। पैसा पैसा पैसा, लोगों के लिए सिवाय पैसे के इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। अच्छा तू खुदकुशी कर लेता, कम से कम मेरा वायदा तो न टूटता और मैं बेईमान न बनता, या मैं अपनी दोस्ती का मुंह काला करने पर मजबूर न होता।
खुदकुशी, बेईमान, वादा, ये क्या बकरा है तू? तूने आज तक मुझे दोस्ती के रूप में देखा है मोती, लगता है तू आज मेरा दूसरा रूप भी देखेगा। और तू यहाँ से जाएगा कि नहीं? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा फजलू। नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। घबरा मत माँ। अरे माँ, ये लोग दोनों दोस्त हैं। बच्चे के खिलौने ले लो, गुड़िया ले लो, गुड़ा ले लो, बच्चे के खिलौने ले लो, बच्चों के खिलौने ले लो। ए बच्चों, तुम्हारे पास कोई गुड़िया है? हाँ है भाभी, ये रही गुड़िया। कितने की है? दो रुपए की। दो रुपए की? और क्या दू? नहीं बस और। अच्छा, ये लो। मुन्नी, मुन्नी, आगे सुना भगवान और क्या कहते हैं? सुनाती हूँ बेटी। मुन्नी, बापू। ओ मुन्नी, आ बेटे, आ जा। मुन्नी, ये तेरे बापू? बच्ची को दुख होगा। अच्छा, ये मेरे बापू है, माँ नहीं मानती। ले बेटी, मैं ये तेरे लिए गुड़िया लाया हूँ, ये बोलती भी है, और ये मैं तेरे लिए मिठाई लाया हूँ, ले। मुन्नी, चल घर। माँ, बापू आए हैं। तुम नहीं मानती थी ना? चल तुम्हें अंदर पानी पिला लो। आप कौन हैं? मैं एक बदनसीब आदमी हूँ बहन। मैं रोज रात को काम पर जाता था, मुझे रास्ते में मुन्नी बैठी मिलती थी। मेरे अपने कोई औलाद नहीं, इसलिए मुझे इससे प्यार हो गया। आपको ऐसा नहीं करना था। मैं चाहती हूँ वो अपने बाप को भूल जाए। अगर आप इस तरह मिलते रहेंगे तो कभी ना भूल पाएगी, और एक ना एक दिन। आप ठीक कहती हैं बहन, मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए। मैं चला जाता हूँ। लेकिन बहन, आपने मुन्नी की आंखें किसी डॉक्टर को दिखाई? दिखाई तो थी, ऑपरेशन के लिए कहते हैं। मुन्नी का रुपया आप दे गए थे? हाँ, मैं दे तो गया था, मगर आपने इलाज क्यों ना कराया? मैं अनजाने लोगों से मदद लेना नहीं चाहती, इसलिए मैंने रुपया वापस कर दिया। अब तो आप मुझे जान गई हैं। मैं मुन्नी को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह समझता हूँ। अगर आप मुझे इसकी आंखें ठीक कराने की इजाजत दे दें तो मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी ना भूलूंगा। अभी आप चले जाइए, नहीं तो जिद करके रोने लगेगी। अरे तेरा आगे पीछे है ही कौन जिसके लिए इतना जमा कर रहा था? अबे उल्लू, तुझे क्या मालूम मैं कितना खुशनसीब हूँ। मेरी एक माँ है, एक बहन है, एक दोस्त है, और एक नन्नी मुन्नी बच्ची है जो दिन रात मेरी वापसी का इंतजार कर रही है। अबे खड़ा हो, कुछ काम कर। अरे ना बाबा, हम तो आराम करेंगे, देखो ना धूप कितनी है। अबे तुम आराम करते रहो, मैं तो चला। ज्यादा दिन नहीं जिएगा बदलू। अबे बहुत दिन जिएगा बेटा। कहीं जा रही हो? हाँ भाभी, कहाँ? मुन्नी की आंखें ठीक करवाने के लिए जो शो कर रही है उसके टिकट बेचने। अगर देर हो जाए तो घबराना नहीं। अच्छा, चल रूपा। अच्छा भाभी, अब हजार दो हजार से काम नहीं चलेगा, पूरे 10,000 रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा तुम्हें। 10,000 रुपए का? मुझे गम है। इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बनना है तुम्हें? सोच लो, अगर असली मोती आ गया तो जेल तो क्या, शायद फांसी की सजा हो जाए। मरना नहीं चाहता। क्या बात है, क्या बात है? फजलू, मैं कुछ नहीं जानता उस बेईमान के बारे में। जरा तमीज से बात कीजिए सर जी। ये फजलू का दोस्त मोती है। मोती? मोती? फांसी? फांसी? आप लोग खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बरखुदा, तुम अपना वक्त को जाया कर रहे हो, जाओ इनके लिए कुछ खातिर तवाजा का बंदोबस्त करो। यस अंकल। माफ कीजिएगा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप फजलू से इतने नाराज क्यों हैं? फजलू ने 2,000 रुपए मुझसे कर्ज लिए थे और ऐसा गायब हुआ कि आज तक कहीं नजर नहीं आया, इसलिए मैं फजलू को ढूंढ रहा हूँ। दरअसल वो 2,000 रुपया उसने मेरे लिए लिया और मैं वही लौटाने आया। ये देर आए दुरुस्त आए। मैं तो सोच रहा था कि नुकसान हो गया,
लेकिन हर नुकसान की आड़ में कोई ना कोई फायदा जरूर छुपा होता है। सूद का मुझे पता नहीं कि क्या तय हुआ। सूद तो वसूल होता ही रहेगा, लेकिन इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हो गई। क्या बात, कुछ नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। गलती क्या है, रात कर दवा दो करने का मौका तो दिया होता।
आज का शो बहुत कामयाब है। जब तक पुलिस की नजरों से बचते थे गिरफ्तार कर लो। क्या बात है कामिनी, यही मेरे भैया का खूनी है जो हमारे घर में छुपा था। नहीं 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 कामिनी नहीं, ये सब झूठ है। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। बेगुनाह होती तो मुझे आज तक छुपाया ना होता। मुझे तुम्हारे सोरे से नफरत है, चले जाओ यहाँ से। बाहर निकले लेकिन आज तुम्हें मालूम हो गया होगा ये पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते। सारा, सारा तू जिंदा है और मोती तो कहता था कि तू। अरे मोती, मोती, मोती। तो फिर ये कौन? मर गए, लुट गए अंकल, मर गए, लुट गए। क्या हुआ? मोती की माँ आ गई अंकल, मोती की माँ। क्या कहा? अंकल अब क्या होगा? वो एक एक बात पुलिस को बता देंगे अंकल, अब क्या होगा? खतरा गया था खुदा अंकल। जिंदगी एक जुआ है और जुआ कभी टर कर नहीं खेलता। मैं नहीं खेलता जुआ अंकल, मैं नहीं खेलता। मुझे बताओ अंकल, शायद आज के चक्कर में जेल जाना पड़ेगा अंकल। अब क्या होगा अंकल? मैं मर गया अंकल, मैं मर गया अंकल। ये क्या अंकल? ये पैसा है, पैसा, पैसा। अलादीन का चराग है, जब सब चीजें साथ छोड़ देती हैं तो ये अलादीन का चराग है ना। ये कभी साथ नहीं छोड़। तू यहाँ भी पहुंच गया बिहारी? फजलो, तू अगर जहन्नुम में भी जा छुपेगा तो मैं तुझे वहां से भी ढूंढ निकालूंगा। ये क्या है? लूट ले, लूट ले मुझे फजलो, लूट ले। क्या मतलब? फजलो, मेरी जिंदगी खतरे में है। सिर्फ आज रात के लिए तू वही पुराना फजलो बन जा, मैं तुझे मुंह मांगे दाम दूंगा। जिंदगी भर गुनाह करते करते तेरी रूह नहीं थकी? अब भी तौबा कर ले, नहीं तो कुत्ते की मौत मारा जाए। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। तेरी भी जिंदगी खतरे में है, याद रख। अगर सेठ नटवरलाल थाने चला गया तो हम दोनों। बिहारी, मुझे अब सिवाय खुदा के किसी से डर नहीं लगता। तू दफा हो जा यहाँ से। तू खुद को बड़ा पाक बात समझने लग गया है। मुझे तो तुझसे अभी भी वही खून की बू आ रही है जो जिंदगी भर वजू करने से नहीं जा सकती। बिहारी, खैरियत इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। मुझे सांपों का सर कुचलना अब भी आता है। आज तुझे मालूम होगा कि इन कागज के टुकड़ों की कोई कीमत नहीं जिनके लिए तू जिंदगी भर मासूमों का लहू बहाता रहा है। बहुत जल्द अपनी औकात भूल गया फजलो। बिहारी, फजलो क्या करता छोड़ा है? फजलो, तू मेरे दलील खून से अपने हाथ नापाक कर रहा है। तू ठीक कहता है बिहारी। चलो अंकल, जल्दी चलो, देर हो रही है। तू इन्हें कागज के टुकड़े कहता है, ये नोट है नोट। मैं इनसे तुझे अपने हजार फजलू पैदा कर सकता हूँ। चला जा यहाँ से, मैं तेरी सूरत तक देखना नहीं चाहता। बिहारी, ले जाना पड़ेगा। अपना पता बता दो, तुम्हारे घर वाले रात भर से परेशान होंगे, मैं उनको खबर तो कर दूं। किस्मत वालों के घर होते हैं सेठ जी, मुझ बदनसीब का कोई घर नहीं। क्या कहते हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं? मेरी एक छोटी सी अंधी बच्ची है जिसकी आंखों के इलाज के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए। आपसे अगर हो सके
तो उसकी आंखों का ऑपरेशन करा देना, जिसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर जिंदा बचा फजलू तो आपकी पाई पाई अदा कर दूंगा, नहीं तो सेठ जी ये समझिएगा जैसे आपने किसी गरीब को भीख दी। क्यों शर्मिंदा करते हो फजलू, मुझे सिर्फ बच्ची का पता बता दो। बड़े बाजार के पीछे पीपल वाली गली में। मुझे फजलू ने भेजा है। फजलू? ओ फजलू भैया, भाभी ये वही फजलू हैं जिन्होंने मुझे बुहारी के चुंगल से बचाया था। लेकिन वो मुन्नी को कैसे जानते हैं? वो कहता है मुन्नी उसकी बच्ची है। अरे हाँ, शायद वही मुझे करीमन माँ के वहाँ मिले थे। वो खुद क्यों नहीं आए? वो बेचारा तो अस्पताल में पड़ा है, बहुत जख्मी हो गया है मेरी जान बचाते बचाते। हाय राम, भाभी मैं जरा हाल पूछाऊँ? हाँ हाँ जरूर जाओ, लेकिन जल्दी आना। चलिए मुन्नी को भी साथ ले लीजिए, वहाँ डॉक्टरों से मशवरा हो जाएगा। अच्छा आइए। बापू ये रहे तेरे पापा। कैसी है मेरी बच्ची? मैं अच्छी हूँ बापू, तुम इतने दिन क्यों नहीं आ बापू? बेटा मैं तेरी आँखों के इलाज का इंतजाम कर रहा था। सेठ जी आपने इसको किसी डॉक्टर को दिखाया? अभी तो नहीं दिखाया, अब दिखाता हूँ। आओ बेटी, कामनी तुम फजलू के पास रहना, मैं अभी आता हूँ। अच्छा। कामनी मोती कैसा है? वो बहुत दिनों से मेरे पास आया नहीं। उसका नाम मत लो भैया, जानते हो उसी ने मेरे भैया का खून किया था। आखिर कल रात वो पकड़ा गया। क्या कहा? क्या हुआ भैया, आप उठ क्यों गए? मोती बेगुनाह है कामनी। भैया कहाँ जा रहे हो फजलू? तुम्हारे जिंदगी अभी खतरे में है। हट जाइए डॉक्टर साहब, मुझ जैसी हजार जाने मोती पर से कुर्बान। फजलू भैया, भैया जैसा, बिल्कुल बेगुनाह हूँ। हर मुल्जिम गिरफ्तार होने के बाद अपने आप को बेगुनाह कहता है। मैं मजबूर हूँ जज साहब, इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं। अलबत्ता मेरा एक दोस्त फजलू उस कातिल के बारे में कुछ जानता था। ये फजलू कौन है? उसे आज तक अदालत में हाजिर क्यों नहीं किया गया? जज साहब मैंने सुना है कि वो अस्पताल से उठकर कहीं बाहर चला गया। मीलॉर्ड, मुल्जिम अदालत की आंखों में एक बार फिर धूल झोंकना चाहता है। आई ऑब्जेक्ट मीलॉर्ड, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ के फजलू के बारे में कुछ पूछने की जरूरत है।
पहले पट्टी तो खोलने दे, फिर बाबू के पास ले जाऊंगी। सो जा। शीला देवी और पुलिस इंस्पेक्टर सिंह के बयानात व दीगर सबूत से कत्ल का इल्जाम मुल्जिम मोती पर साबित। ठहरिए, साबित नहीं होता जज साहब, मोती पे गुनाह है। ये है असल मुजरिम जज साहब, बोल बिहारी, मरने से पहले एक बार तो सच बोल दे, नहीं तो एक बेगुनाह को फांसी हो जाएगी और इंसानियत का एतबार कानून और इंसाफ से उठ जाएगा। बोल, खुदा के लिए कुछ तो बोल। जज साहब, मुफ्ती बेगुनाह है, ये खून मैंने करवाया और ये खून मैंने किया। ये झूठ है जज साहब, फजलू सिर्फ मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। खामोश है मोती, तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ जज साहब, ने दूसरों की जान बचाने के लिए हमेशा अपनी जान की बाजी लगाई। जो आदमी किसी की जान बचाना जानता है वो किसी की जान नहीं ले सकता जज साहब। उसने मुझसे वादा किया था और आज अपने दोस्त को बचाने के लिए फिर से अपनी जान की बाजी लगा रहा है जज साहब। तुझे मेरी बात का यकीन नहीं मोती? हरगिज नहीं। नहीं नहीं जज साहब, मैं बाबू जी की कसम खाकर कहता हूँ जिन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, ये खून मैंने किया है, मैंने। फजलू, आर्डर। मिलॉर्ड, केस कुछ पेचीदा हो गया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे फजलू से चंद सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? फजलू, सिर्फ फजलू। तुम्हारे बाप का नाम? मुझे तो मेरी माँ का भी पता नहीं। क्या मतलब? मेरी जिंदगी तो उस जहरीले कीड़े की तरह रही, जो गंदी बस्ती, जो आहिस्ता आहिस्ता इसी दुनिया की कीचड़ में खत्म हो जाती है। मैं भी रास्ते के कंकर की तरह हरेक की ठोकरें खाता रहा, भटकता रहा और आहिस्ता आहिस्ता मैं कंकर से पत्थर बन गया। लेकिन इन बातों का कत्ल से कोई वास्ता नहीं है मिलॉर्ड। मेरी जिंदगी से इनका वास्ता है जज साहब, आज मुझे बोलने दीजिए ताकि पता चले कि जुर्म क्यों होते। बयान जारी रख सकते हो। समाज हमेशा मुझे नफरत का जहर पिलाता रहा और मैं वही जहर उगलता रहा। उस वक्त अगर मुझे कोई नेक इंसान मिल जाता तो मैं भी शायद हैवान से इंसान बन जाता। लेकिन मेरी जिंदगी में बिहारी आया जिसके पास पैसा था, मेरा खुदा, उसने मुझे खरीद लिया। चूंकि मेरी जिंदगी का कोई मकसद न था, मैं आहिस्ता आहिस्ता हैवान से शैतान बनता गया। उसने मुझसे खून कराए और जज साहब, एक रात उसके कहने पर मैंने मुन्नी के बाप को मार डाला, जिसके इल्जाम में मेरा दोस्त मोती गिरफ्तार। मोती मासूम है, मोती बेगुनाह है, ये कभी खून नहीं कर सकता जज साहब, क्योंकि इसकी माँ है। अगर मेरी माँ होती तो मैं कभी खून न करता, मैं कभी खूनी न बनता, मैं ये अक्सर सोचता हूँ। जिन लोगों का तुमने खून किया उनसे तुम्हारी कोई दुश्मनी थी क्या? मैं तो उन्हें जानता भी ना था, और फिर मैंने ये कभी ना सोचा कि जब मैं उन्हें मार डालता हूँ बाद में उनके घर वालों पर क्या गुजरती, वो किस तरह बिलकते हैं, कैसे तड़पते हैं। खून करने वाला अगर एक बार उनके घर की हालत देख ले तो वो कभी ऐसा ना करे। इसका एहसास मुझे उस दिन हुआ जिस दिन उस मासूम बच्ची ने अपने बाप के कातिल को बाबू कहकर पुकारा, जिसकी आवाज सुनकर मुझ जैसा खूंखार दरिंदा कांप उठा। इंसानियत के सामने हैवानियत ने घुटने टेक दी। मैं जानता हूं मैं खूनी हूं, मैं कातिल हूं, मुझे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिससे मेरे दिल का बोझ हल्का। मगर मुझे खत्म करके आप फजलू को नहीं मार सकेंगे। अगर आप फजलू को खत्म करना चाहते हैं, फजलू को मिटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस गंदी गिलाजत की जिंदगी को खत्म कीजिए जहां हर रोज हजारों फजलू पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, दूसरों का घर बिगाड़ने के लिए, मासूमों को यतीम करने के लिए, जलते चिराग बुझाने के लिए। फजलू तो एक गुलाम था, अदना गुलाम, जो बिहारी के इशारे पर नाचता था। जज साहब, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकेंगे? अदालत मुल्जिम मोती को बाइज्जत रिहा करती है। फजलू के बयानात और दीगर सबूत से जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा खतरनाक मुजरिम है, जिसकी वजह से समाज और इंसानियत को हमेशा नुकसान। इसलिए अदालत दफा 302 ताजी रात हिंद के तहत मुल्जिम फजलू को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। भैया,
मुन्नी की जब शादी हो तो उसको मंगलसूत्र मेरी तरफ से देना। अच्छा बहन, मुझ बदनसीब को माफ कर दो। के दाना खा